गाइज, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। केसी नाइस्टार्ट को तो आप लोग जानते होंगे, ही इज द ओजी व्लॉगर, सो टू से। यूट्यूब पे व्लॉगिंग का ट्रेंड इसी बंदे ने स्टार्ट किया था। न्यूयॉर्क में रहता है, अपना दिनचर्या का हिसाब किताब दिखाता रहता है, कुछ कुछ खुराफातियां करता रहता है। एक बार इसे वीडियो में घड़ी पहनी थी। दिस वॉज द जी शॉक 90s थ्रोबैक रेंज ऑफ वॉचेस, जो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए आई थी और इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुई थी। इसने जो पहना था वो GA 2100 का एक वेरिएशन था। मुझे वो उतना पसंद नहीं आया, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक द ब्लैक डायल विद दिस कलरफुल ओवरऑल बैकग्राउंड। मुझे ये वाली घड़ी ज्यादा पसंद आई थी इस रेंज की, विच वॉज एन अडेप्टेशन ऑफ द क्लासिक 5600 स्क्वायर जी शॉक। एंड इनको 90s थ्रोबैक इसलिए कहा जाता है गाइस, क्योंकि इसकी जो कलर स्कीम है इस पूरी वॉच की, दिस इज रेमिनिसेंट ऑफ द 90s। अभी घड़ी इंडिया में तो लॉन्च हुई थी नहीं, तो मैंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जी शॉक के कस्टमर केयर, शोरूम्स, ईमेल, सब कर करके भैया घड़ी चाहिए, मैं प्री पे कर दूंगा, बुलवा दो। नहीं आई। जी शॉक ने बोल दिया सॉरी बॉस, ना हो पाएगा। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी। फिर कुछ महीने पहले आई केम अक्रॉस दिस जापानीज वेबसाइट विच इज सेलिंग जापानीज गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें फॉर व्हाटएवर रीजन ये घड़ी लिस्टेड थी जो मुझे चाहिए थी 2 साल से। साइट के अते पते नहीं है, कस्टमर केयर का कोई हिसाब किताब नहीं है, और ये घड़ी पड़ भी बहुत महंगी रही थी। मुझे कम से कम इसको बुलवाने के 22,000 rupees लगे इस घड़ी को बुलवाने के लिए। मैंने सोचा इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग, चल गया तो चल गया, विल फाइंड वंस इन अ लाइफ टाइम वॉच विद अस, राइट। तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के 2-3 दिन तक मैंने इनसे कॉन्स्टेंट फॉलोअप किए, मेल्स किए, ट्राई टू कॉल देम ऑन द नंबर, कुछ रिस्पॉन्स नहीं। तो फिर मैं कुछ टाइम इसके बारे में भूल गया। कुछ महीने निकल गए, फिर मुझे एक दिन एक ईमेल आता है, दिस वॉच हैज बीन डिस्पैच। उसके बाद एक घड़ी इंडिया में कस्टम्स में आके अटक गई, फॉर द सिंपल रीजन कि सेलर ने ढंग की डिटेल्स दी नहीं थी टू डिक्लेयर इट, की घड़ी क्या है, इस पे कितनी ड्यूटी बनेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वॉचेस पे जनरली 50% ड्यूटी बैठती है ऑफ द कॉस्ट, राइट। सो 50% यू हैव टू पे एक्स्ट्रा ओवर अबव द एक्चुअल कॉस्ट। तो जो 22,000 थे उसके ऊपर रफली 50% और मुझे पे करने थे टू गेट दिस वॉच रिलीज फ्रॉम कस्टम्स। उसके बाद ये घड़ी आज मेरे को डिलीवर हुई है। आई एम सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड, यू हैव नो आइडिया गाइस। इसे मैं लाइव आपके सामने अनबॉक्स करूंगा। आप देख सकते हैं फेडेक्स का पार्सल है, अनओपन्ड है पूरी तरीके से। बट गाइज, इसे अनबॉक्स करें उसके पहले कस्टमरी क्विक रिस्पॉन्स चेक। आज मैं पहना हूं मेरी बेनियार रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल कोरल रेड डायल की होमाज वॉच। इसके ऊपर हम ऑलरेडी होमाज वॉचेस पे वीडियो बना चुके हैं, राइट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बेनियार हैज डन अ टेरिफिक जॉब ऑफ ट्राइंग टू अडैप्ट द रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल केस डिमेंशंस ऑनटू दिस, राइट। सो इनफैक्ट कुछ टाइम में आपको मेरा रोलेक्स वॉच शॉपिंग का ब्लॉग भी दिखेगा, जिसमें आई हैव एक्चुअली ट्राइड द रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल इन स्टोर, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी ट्रू टू इट, राइट। आप पूछते तो मैं बता देता हूँ। चलिए गाइज, इस घड़ी को अनबॉक्स किया जाए। कैन नॉट वेट, वीडियो में अनबॉक्स करना था वरना मैं इसको कब का खोल चुका होता। ये रहा बॉक्स के अंदर, जापानीज में लिखा है थैंक यू, दैट्स सो स्वीट। इतना टाइमली बट आपने डिलीवर तो कर दिया। सो गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेट्स सी। ओ माय गॉड, डब्बा फेंको यार, मेरे हाथ कांप रहे हैं गाइस। आई हैव लस्टेड आफ्टर दिस वॉच फॉर सो लॉन्ग। दिस इज इट, द जी शॉक 5700 थ्रोबैक। ओहो, हाथ कांप रहे हैं गाइस, लेट्स सी। ओके, कैसे खोलें इसको, समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट। ओके, ऐसे खुलती है। चलो गाइस, सांस लेते हैं। ओके, दिस इज इट, आई हैव नो वर्ड्स, द वॉच इज हियर आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट। इतने साल इस घड़ी को ढूंढना है मैंने, इट्स फाइनली हियर। I have nothing to say guys, I'm speechless to be very honest with you. ये Japanese model है guys, Indian model नहीं है, तो everything is in Japanese here. आप देख सकते हैं पूरी instruction manual is in Japanese. India में कभी घड़ी launch हुई नहीं। This is a dream come true guys. मैं इतने सालों से घड़ी के बारे में सपने देख रहा हूँ कि घड़ी आएगी मेरे पास तो मैं इसे कैसे पहनूंगा, क्या होगा। So guys, this is the watch, and अगर आप ध्यान से देखो कि इसकी लाइट जलाता हूँ ना, the difference from a normal G-Shock is कि इसके पीछे जब आप लाइट जलाते हो तो शॉक रेजिस्ट करके एक ना एम्बलम दिखता है, आप देख पा रहे हो, राइट। दिस इज समथिंग यूनिक विच कम्स विद दिस वॉच, विच इज ऑल्सो सिग्निफाइंग द ओरिजिनलिटी ऑफ दिस वॉच, राइट। सो गाइस, बिफोर वी टेक द रिस्ट शॉट, टाइम फॉर सम क्विक स्पेसिफिकेशन एंड डिमेंशंस। अ केस डायमीटर ऑफ 44.3 mm, लग टू लग ऑफ ऑलमोस्ट 50 mm, सो वेयर इज डिसेंटली कॉम्पैक्ट जी शॉक के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। लग विथ ऑफ 24 mm, सो ऑल 24 mm स्टैंडर्ड स्ट्रैप्स विल फिट, बट आई एम नॉट श्योर आप इसका स्ट्रैप क्यों चेंज करना चाहोगे, दिस इज द क्लासिक कलर स्कीम ऑफ दिस वॉच। केस थिकनेस ऑफ 14 mm। सो गाइस, दिस कम्स विद ऑल द जी शॉक गुडीज, विच इज एन अलार्म, टाइमर, स्टॉपवॉच एंड नॉर्मल टाइम की। ये है ल्यूमिनोसिटी, आप देख सकते हैं जी शॉक रिजिस्ट का पीछे एक लोगो आता है। फटाफट से इसे रिस्ट पे पहना गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। गाइस, दिस इज हाउ इट लुक्स इन माय हैंड, आई एम लिटरली ट्रेम्बलिंग राइट नाउ गाइस। आई हैव लस्टेड आफ्टर दिस वॉच फॉर 2 years,
एंड आई एम सो हैप्पी आई गॉट दिस गाइज इन दिस ट्रेडिशनल डिजिटल डिस्प्ले मॉडल केसी नाइस्टार्ट वाला मॉडल GA2100 वाला. आई वॉज नॉट लाइकिंग इन दिस कलर स्कीम. इट्स अ ग्रेट मॉडल बट नॉट फॉर दिस आई बिलीव. एंड गाइज दिस इज अ स्लाइटली नियोनिश पिंक, तो ये ना रियल में काफी अलग इफेक्ट देता है. दिस इज हाउ इट लुक्स अगेंस्ट द बेनियार वॉच, राइट? आप देख सकते हैं. सो गाइज दिस वॉज जी शॉक 5700 90s throwback international unboxing and review. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो दो बार डिसलाइक करना. सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर अब तक नहीं किया. बहुत वीडियोस आ चुके हैं, बहुत आने वाले हैं. माय ओनली पॉइंट विद दीज वीडियोस गाइस इज अगेन टू एनकरेज ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट योर ओन वॉच कलेक्शन. अच्छी वॉचेस में इन्वेस्ट कीजिए, क्लासिक वॉचेस में इन्वेस्ट कीजिए. एक 895 रुपीज की F91W से स्टार्ट कीजिए, बट बिल्ड योर वॉच कलेक्शन स्लोली. यू विल चेरिश इट, यू लव इट ओवर द इयर्स. स्मार्ट वॉच से कचरों से दूर रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Take care, stay safe.